देखो जी, हमारा ओवन जो है वो रेडी हो गया। ये हमारा ओवन है, इनसे मिलिए। और इसके अंदर बनने वाला है एक बहुत बढ़िया सा एकदम चॉकलेट ट्रूफल केक। उसमें अंडा नहीं पड़ेगा, उसके लिए ओवन नहीं चाहिए। और उसमें एक बहुत बढ़िया फ्लेवर, और वो फ्लेवर है कैरामलाइज्ड दूध का, यानी कि वो कड़ा हुआ दूध जो बहुत अच्छा लगता है ना। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, बनाते हैं चॉकलेट ट्रूफल केक विद कैरामलाइज्ड मिल्क मेड। अब कैरामलाइज मिल्क मेड बनाने के लिए आपको चाहिए मिल्क मेड। मिल्क मेड का एक कैन लेना है, उस कैन को डालना है पानी के अंदर और उसको उबाल लेना है। अब इसको 2 घंटे जो है हमने पकने देना है। 2 घंटे धीरे 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 पकने देंगे तो जो शुगर्स हैं, जो मिल्क की शुगर्स हैं और कंडेंस मिल्क की शुगर्स हैं, वो कैरामलाइज होंगी। धीरे धीरे इसमें वो टॉफी वाला फ्लेवर आएगा, है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम मिल्क टॉफी चॉकलेट ट्रूफल केक बना रहे हैं, अगर लाइफ को सिंपल करना है, ठीक है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, 2 घंटे वेट नहीं करना चाहते, तो एक काम करिए, कुकर में डालिए, कुकर में पानी से ढक लीजिए इसको, उसके बाद 5 सीटी मरवा दीजिए। 5 सीटी मरवाने के बाद गैस बंद कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। जब सारा प्रेशर निकल जाए तो कैन निकालिए। कैन निकालने के बाद गरम गरम कैन बिल्कुल मत खोलिए, उसको छोड़ दीजिए। जब कैन रूम टेम्परेचर पे आए या जब कैन वार्म हो तब खोल के निकाल लीजिए, ठीक है। ये ज़रा सावधानी से बता रहा हूँ, क्योंकि गर्म गर्म में एकदम से निकलेगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, चोट लग सकती है। और 2 घंटे बाद ये लीजिए। देखिए 2 घंटे बाद नहीं, ये ऑलरेडी जो है टॉफी बन चुका था, कैरामलाइज हो चुका था। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको डाला था अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसको ऑलरेडी कुकर में 5 सीटियां लग चुकी हैं। मैजिक, ये देखिए। अभी इतना पकने से क्या हुआ है, एक तो मिल्क का फैट अलग हो गया, देखिए, है ना, मिल्क फैट्स अलग हो गए, और दूसरा शुगर्स कैरामलाइज हो गई हैं। ये देखिए, कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, पूरा चेंज हो गया ना। जो मिल्क टॉफी खाते थे बचपन में, वैसा कलर है ना। ये देखिए, देख रहे हैं, ये है जी मज़े की चीज़ जो आपके बहुत काम आएगी, कढ़ा हुआ दूध बनाने का शॉर्टकट। अब बना लेते हैं जी अपना चॉकलेट केक। पहले जो मैंने दिखावे का पानी डाला था वो हटा देता हूँ। आपको लगा रणवीर सच में 2 घंटे वेट करेगा? ये लो जी, पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो तेल, वनीला एसेंस, दही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दही से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दही डालने से पहले आप एक बार ऑयल को मैदे में लपेट लें अच्छे से, ताकि ऑयल जो है वो मोइन लगा दे अपने मैदे के ऊपर, वरना आप दही डालेंगे और ब्रेड ही बन जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए पहले मैदे को ऑयल से कोट करवाना है। अब इसमें सिर्फ मैदा ही कोट नहीं हुआ है, बल्कि वो बेकिंग सोडा भी कोट हो गया, क्योंकि अगर बेकिंग सोडे के ऊपर आप सीधा दही डालते तो फिर जो है वो एकदम से करके ख़त्म हो जाता। यहाँ पर बेकिंग सोडे के ऊपर ऑयल लगा हुआ था, धीरे धीरे बेकिंग सोडा भी राइज करेगा धीरे धीरे, ठीक है जी। दही डालने का मकसद जो है वो ये है कि हल्की सी खटास देगा और आप अंडे की जो रिचनेस है वो मिस नहीं करेंगे। और वैसे भी चॉकलेट में हल्की सी एसिडिटी अच्छी लगती है, कभी भी कुछ भी चॉकलेट का बना रहे हो तो उसके अंदर हल्की सी खटास हमेशा अच्छी लगती है। इसीलिए चॉकलेट लेमन, चॉकलेट ऑरेंज का वैसे भी कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। नेचुरली भी चॉकलेट के अंदर एसिडिटी होती है, ठीक है जी। अब इसके अंदर डालना है आधे से थोड़ा कम कैन मिल्क मेड। अब क्या है ना, देखिए शक्कर अक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मिल्क मेड डाल रहे हैं। फिर जितनी भी बेकिंग है ना, सब आसान हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि बेकिंग में जो हिसाब किताब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब ये जो है ना, इनसे मिलिए, ये है वो आधे भरे हुए मिल्क मेड के कैन, जो कि हर घर में हिंदुस्तान में फ्रिज में ऐसे झांकते हुए दिखेंगे, होते हैं ना, ऊपर क्लिंग रैप होता है, हमारे घर में भी होता है। कई बार आप क्लिंग रैप हटाते हैं तो अंदर से खाली होता है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ऐसे 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 करके उसको ख़त्म कर चुके होते हैं और चुपचाप वापस वैसे ही ढक देते हैं। या फिर अगर हमारे ऐसा हो, ईशान सिंह बरार, तो फिर उसको चपाती खिलाने के लिए हमको मिल्क मेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बचा हुआ मिल्क मेड ऐसे लेते हैं हम, उसको धीरे धीरे चपाती पे लगाते हैं, रोल बनाते हैं और टिफ़िन में डाल देते हैं। यह है रियलिटी, कहने को रणवीर बरार शेफ, कहने को जरूरत पड़ती मिल्क मेड की। ये लीजिए, बस आधा ही भरना है। वैसे भी ये एक केक की प्रिसाइज रेसिपी है,
अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में फ्लैक्स सीड पाउडर होता है ना, अलसी का पाउडर, अलसी के पाउडर को अपने ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी में लगभग 1 टेबल स्पून अलसी का पाउडर बहुत है। अलसी के पाउडर से भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आता है, जब केक राइज होता है तो अलसी का पाउडर उसको वो जाला वो नेट देता है, अदरवाइज अपने आप में रेसिपी कंप्लीट। ठीक, सबसे मोटा बर्तन लीजिएगा और नीचे डालिएगा सिर्फ नमक, और कुछ नहीं डाला है। और अब करिए इंतज़ार, 40 मिनट में हो जाना चाहिए, 30-35 मिनट के बाद एक बार टूथपिक डाल के देख लीजिएगा। देखिए, मेरा हमेशा जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि बेकिंग को, वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होती ना कि यार ये तो मतलब कैसे करेंगे, ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक भारी तल्ले का बर्तन चाहिए, नमक चाहिए, स्टैंड चाहिए, बस। स्टैंड मतलब वो कुकर के साथ आता है ना, स्टीमर वाला स्टैंड, वो है बस। अब जो है बनाते हैं ट्रूफल केक का। ट्रूफल तो चॉकलेट ट्रूफल बनाने के लिए आपको चाहिए चॉकलेट, जिसको आपने 3 बार ऐसे घूमना है, 2 बार ऐसे घूमना है, फिर पीछे जाना है और पैन ला के पैन में पका लेना है। देखिए, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है, जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताज ही तो है। अब इसके अंदर डालीजिए एक क्रीम, ये रेगुलर डेरी क्रीम है, नॉन डेरी क्रीम नहीं। नॉन डेरी मतलब जो आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं ना, जिसमें सोया मिला होता है और तेल मिला होता है, वो नहीं, रेगुलर डेरी वाली क्रीम। ठीक है, क्रीम गर्म करके चॉकलेट डाल के कायदे से आप ढक देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्रीम गर्म कर लेते हैं। और ये भी डाल देते हैं अपना टॉफ़ी मिल्क मेड, कि अगर अंदर टॉफ़ी का फ्लेवर है तो हमारे ट्रफल में भी टॉफ़ी का फ्लेवर होना चाहिए ना। तो चॉकलेट टॉफी ट्रफल बनाने की रेसिपी आपको पता चल गई। चलो ये गई चॉकलेट। अब गैस आप चाहे तो कर दीजिए बंद, चाहे नहीं आप बंद ही कर दीजिए और उसको हटा लीजिए गैस से और यहाँ पे रख दीजिए, बाकी जो है अपने आप गर्मी अपना काम कर देगी। ये देखिए, ज़्यादा पकाना नहीं है चॉकलेट को, हाँ इसीलिए मैंने बस क्रीम गर्म करके उसके अंदर चॉकलेट डाल दी और अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ, एकदम इमल्सीफाई कर रहा हूँ, उससे चमक आती है। देखिए, वैसे इसको खोलना नहीं चाहिए केक पकने से पहले, कम से कम 30 मिनट से पहले नहीं खोलना, गलत चीज़ें मत सीखिएगा, आपको एक बार दिखा रहा हूँ बस मैं। ये देखिए, आया ना राइज, आया, केक उठना शुरू हो गया। देखिए क्या एकदम सिल्की सिल्की गनाश बना है। बटर पहले नहीं डालना, गरम गरम में बटर नहीं डालेंगे, बिकॉज बटर का बन जाएगा घी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है, बटर जो है वो सॉफ्ट बटर लें और जब गनाश में हल्की सी गर्मी हो तब डालें। ये सेफ्टी के लिए किया है मैंने, यूजुअली गनाश में लम्प्स होते नहीं क्योंकि लम्प वाला कुछ था नहीं, लेकिन हमने कहा रिस्क क्यों लेना साहब। ये देखिए शाइन, देखिए ग्लेज, देखिए ये देख रहे हैं आप। टच नहीं करना है इसको, मैं इतना भी छोड़ देना है। मिल्क मेड का फायदा यह है कि मिल्क मेड में जो कुक शुगर्स होती हैं उसकी वजह से केक का स्ट्रक्चर और बेटर हो जाता है। अब आप इसको छोड़ेंगे, जब ये ठंडा होगा तो हल्का सा श्रिंक होगा, साइड्स छोड़ देगा, इजी होगा आपके लिए निकालना। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये मिल्क मेड के जो मिल्क सॉलिड्स हैं और शुगर्स हैं उनकी लंबे समय तक जो कुकिंग होती है उसकी वजह से होता है, बहुत यूनिक है और बेकिंग में बड़ा काम आता है। और इसका जो असल फ़ायदा है वो हम देखते हैं जब हम चीज़ों को स्टीम करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मिल्क मेड डाल के स्टीम हो सकती हैं और क्या क्या अमेजिंग डिशेस बनती हैं। वही आप कैरमलाइज कंडेंस मिल्क लीजिए, उसको माइक्रोवेव मारिए, थोड़ा सा फ्लावर डालिए, थोड़ी शुगर डालिए तो आपका फज बन जाएगा। या एक काम करिए, बहुत सारे नट्स डाल लीजिए, कोको पाउडर डाल लीजिए बीच में और उसको माइक्रोवेव कर लीजिए, बेक कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए, आपकी ब्राउनी बन जाएगी। या फिर एक काम करिए, आप वही कंडेंस मिल्क लीजिए और उसका एक बढ़िया सा शेक बना लीजिए, या फिर अगली बार जब आप रबड़ी वबड़ी बना रहे हो तो उसके अंदर डाल लीजिए, या फिर शीर खुरमे के साथ तो उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। ये देखिए टेक्स्चर, देखिए क्या फर्स्ट क्लास जाला बना, ये देखिए फर्स्ट क्लास।
अभी क्या करना है, अभी जो है ये है हमारा टॉफी मिल्क मेड, है ना, ये लगाना है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर लगाना है गनाश। ये गनाश जो है देखिए ठंडा होने के बाद ऐसा हो जाएगा, या ट्रूफल जिसको हम बोल रहे हैं या ट्रफल बोल रहे हैं वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक और ये दो। यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी देखिए, वरना ऊपर से आपका केक दिखने में बड़ा अच्छा होगा, अंदर से खाएंगे तो ना चॉकलेट आएगा, ना टॉफ़ी आएगी, ना कैरमल आएगा, ना ट्रूफल आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ब्यूटिफुल, अभी जाएगा फ्रिज में, फ्रिज में सेट होगा कम से कम आधा घंटा, फिर इसके ऊपर गरम गरम ट्रफल डालेंगे। सेट कर लीजिएगा, ये देखिए नीट एंड क्लीन होके फ्रिज से ऐसा निकलेगा ये। ठीक है, कच्चे गनाश का काम हो गया ये देखिए। ठीक है, कच्चा गनाश सेट भी हो गया फ्रिज में डाल के, अब इसके ऊपर पक्के गनाश का काम करना है। थोड़े बहुत अगर एयर बबल्स ऊपर आ रहे हैं तो उनको तोड़ दीजिए, एकदम लवालब होना चाहिए ये, एकदम लवालब होना चाहिए ट्रूफल केक जो है चॉकलेट। गनाश को ऐसे नाइफ के साथ या बैक ऑफ स्पून चम्मच के साथ ऐसे उठा लीजिए, ये लीजिए बन गया ना डिज़ाइन। ये लो जी, ये हो गया पक्का ट्रफल। ठीक है, अब पक्के ट्रफल के बाद ये जाएगा फ्रिज में, फ्रिज में थोड़ा और ढलेगा, अपनी शेप पकड़ेगा और सुंदर हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने क्या किया, चॉकलेट ली, चॉकलेट को मेल्ट किया और उसके बाद उसको ऐसे प्लास्टिक की पन्नी पे बिछा दिया और सेट कर लिया। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा ये हमारा जो टॉफी मिल्क मेड है इसको व्हिप क्रीम में मिक्स कर दिया। बाकी जो भी आपके पास सोने का वर्क डालना है सोने का डालिए, चांदी का डालना है चांदी का डालिए, नहीं डालना मत डालिए, अभी हमारे पास है तो हम थोड़ा शो ऑफ कर देते हैं। देखिए जब इज्जत की बात हो ना, जब बर्थडे हो एनिवर्सरी हो और बच्चे ये बोलें कि अरे उसकी मम्मी ने वैसा केक बनाया था, तो आपको प्रेशर लग रहा हो कि अरे इस बार तो मुझे भी कुछ अच्छा बनाना है, उसके लिए परफेक्ट है ये बगैर ओवन का चॉकलेट ट्रफल केक। परफेक्ट बर्थडे केक, स्पेशल ओकेजन्स पे, स्पेशल ओकेजन्स को एकदम से और स्पेशल बना लीजिए आप, है कि नहीं। ये गया जी कोको पाउडर, ब्यूटीफुल। तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है कि अगली बार घर पे किसी का बर्थडे हो या फिर किसी के बर्थडे पे केक भेजना हो, क्या करना है, मिल्क मेड लेना है और उसको प्रेशर कुकर में डाल देना है। नाउ यू नो द सीक्रेट। देखिए बनाइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 सारा प्यार। और दूसरी चीज़ याद रखिए, बेकिंग जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, चाहिए क्या, कढ़ाई, नमक, थोड़ा सा धैर्य और ये वीडियो।